एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जो ये दावा कर रही है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर सरकार ने कश्मीरी आवाम के लिए विकास का रास्ता खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिना सिर पैर का इशू बनाने पर आमादा है। देश की जनता कहती है कि यह ऐतिहासिक फैसला है, कांग्रेस कहती है यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद वही शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा। लेकिन इसी बीच कश्मीर की एक युवती ने बोलती बंद कर दी है कांग्रेस और हुर्रियत के नेताओं की। जमीनी तौर पर इसने कांग्रेस और पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं को आईना दिखाया है। इस लड़की का नाम है याना मीरचंदानी। ये कश्मीर की रहने वाली है और इसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने शेयर किया है और ये कहा है कि आज तक कश्मीर का विकास नहीं हो पाया, ना कोई कंपनी वहां आई, ना वहां बेहतर एजुकेशन सेंटर है और बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कश्मीर के युवक नशा कर रहे हैं और नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आगे याना कहती हैं कि जो लोग आर्टिकल 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं उनका पर्पस कश्मीर के लोगों की भलाई चाहना नहीं है, वो तो बस अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे याना लिखती हैं कि मुझे पता है कि कश्मीर के लोगों को ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने में खासी परेशानी हो रही है और मैं भी अपने करीबियों से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। और अंत में जो बात याना ने कही है वो दिल को छू जाती है। याना कहती हैं कि मैं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आजादी 370 को लागू रखने में नहीं है बल्कि आर्टिकल 370 को हटाने में है। बेशक ये करारा थप्पड़ है उन सभी कांग्रेस के नेताओं के लिए जिन्हें आज ये पता ही नहीं है कि जिन कश्मीरियों की वो दुहाई दे रहे हैं वो इस ऐतिहासिक ऐलान को स्वीकार किए बैठे हैं। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।